ठीक है ना। तो हम ये कह रहे थे ये जो मैथ है क्लास नाइन्थ के बच्चे आप लोग है ना, आप लोग लंबा में करके लिखना पड़ता है। कैसे? इस कोण के लिए एंगल ई पी क्यू सिखाएंगे बाद में, अभी शॉर्ट में सीखिए। चलिए अभी नॉर्मली सीखिए। देखिए ये 50 है तो ये कितना होगा, वाई का मान चाहिए एक समान चाहिए। तो आप एक बात जानते हैं, ए बी जो है ना, ए बी ये समांतर है किसका? सी डी का। ये बात जानते हैं ना आप लोग? तो जब ये समांतर है तो इक्वेशन देखा है, ध्यान पड़ी ध्यान पड़ी क्लियर रेखा है। तो ई कोण आई कोण कौन कौन है? एकांतर, ध्यान में रहे। तो जब ये एकांतर कोण है तो एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर। तो एंगल एक्स क्या हो जाएगा? 50। बोलिए हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना, बड़ा सवाल ना। तो इसको लिखना पड़ता है, मान लीजिए लिखवाएंगे आपको, देख कैसे लिखवाएंगे, चूंकि लिखिए मत बस देख लीजिए, घर में जाके सुस्त रहेगा। एंगल ए पी क्यू, ए पी क्यू इक्वल टू एंगल पी क्यू आर, क्वेश्चन कौन है भाई? एकांतर कौन है? तो यानी कि ए पी क्यू है 50 डिग्री और पी क्यू आर है 100 डिग्री, हाँ या ना? यानी कि एंगल एक से बराबर कितना हो गया? एक आंसर हो गया। अब रुकिए, अब हेने देखिए, हाई कोण हाई पाई जो है ना, ए पाई में हाई कोण आईने से हाई कोण, क्वेश्चन कौन है? एकांतर, माने खाली हाई ना हाई सब है कि नहीं, बोलिए। ई कोण आई कोण क्या है? एकांतर। तो हम लिखेंगे यहाँ देखिए, चूंकि एंगल ए पी ए पी आर बराबर एंगल, इसको क्या लिखेंगे? पी आर डी, क्वेश्चन कौन है भाई? एकांतर कौन है? अब देखिए एंगल ए पी आर में, ए पी आर में क्या क्या है? देखिए दो क्या क्या है, बोलिए। 50 प्लस ओने क्या है? 100 नहीं है, तो वाई बराबर 127 माइनस होने गया, हो गया आंसर। 7 में से 0 गया, 7 12 में से 5 गया, 7 आंसर। बड़ा नॉर्मल क्वेश्चन है, बना दीजिए। बाकी हम आप लोगों से कल मिलते हैं।